नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका स्वागत है बहुत बहुत। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे गद्य साहित्य की वर्तमान गति यानी शुक्ल जी के तृतीय उत्थान की, जिसका समय है संवत 1975। ये वर्तमान गति आपको ध्यान रखनी है, ये शुक्ल जी अपने समय की बात कर रहे हैं, ठीक है। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना समय देते हैं, मेरे वीडियो सुनते हैं, और उससे भी ज्यादा धन्यवाद कि आप वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। एक तारतम्यता बनी रहती है आपके कमेंट्स और लाइक से, और मुझे भी वीडियोस बनाने में अच्छा लगता है। शुक्ल जी की पुस्तक के हम लगभग अंत की तरफ पढ़ रहे हैं, आप मुझे कमेंट जरूर करते रहिएगा कि इसके बाद आपको किस विषय पे वीडियो चाहिए होंगे, ताकि मैं आगे से उसकी प्रिपरेशन करूंगी। चलिए शुरू करते हैं। गद्य साहित्य के वर्तमान गति यानी तृतीय उत्थान काल, संवत 1975, प्रकरण 5। सबसे पहले सामान्य परिचय। तृतीय उत्थान में हम वर्तमान काल तक पहुंचते हैं जो अभी चल रहा है। इसमें आकर हिंदी गद्य साहित्य के भिन्न भिन्न क्षेत्रों के भीतर अनेक नए रास्ते खुले, जिसमें से कई एक पर विलायती गलियों के नाम की तख्तियां भी लगी। हमारे गद्य साहित्य का यह काल अभी हमारे सामने, ये शुक्ल जी उस समय के लिए कह रहे हैं, है ना, ये ध्यान रखिएगा। इसके भीतर रहने के कारण इसके संबंध में हम या हमारे सहयोगी जो कुछ कहेंगे वह इस काल का अपने संबंध में अपना निर्णय। सच पूछिए तो वर्तमान काल जो अभी चल रहा है हमसे इतना दूर पीछे नहीं छूटा है कि इतिहास के भीतर आ सके। मतलब इसको ये अभी इतिहास बीती हुई घटनाओं का होता है। शुक्ल जी कह रहे हैं कि ये तो क्योंकि वर्तमान में चल रहा है तो ये हमसे अभी इतना दूर नहीं छूटा है कि इसको इतिहास में रखा जा सके। पर अब जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोगों के लिए तो ये इतिहास है ही, शुक्ल जी के लिए उस समय इतिहास नहीं रहा था। इससे यहाँ आकर हम अपने गद्य साहित्य के विविध अंगों का संक्षिप्त विवरण ही इस दृष्टि से दे सकते हैं कि उसके भीतर की भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां लक्षित हो जाए। यहाँ पे आप शुक्ल जी कह रहे हैं अभी तो इतना ही परिचय दिया जा सकता है कि उसकी भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां लक्षित हो। देखिए, सामान्य जानकारी जहाँ होती है यहाँ पर आपको पता है वीडियो एक या दो बार बहुत ध्यान से सुनना होता है, इसमें याद करने जैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे प्रवृत्तियों पे हमें ध्यान देना होता है कि वास्तव में सामान्य प्रवृत्तियां उस समय की क्या थी, उसको समझने की कोशिश करनी होती है। वास्तव में यहाँ से अगर प्रश्न पूछे जाते हैं तो मतलब जो विवरण कूट में या इस तरह के विवरणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, तथ्यात्मक प्रश्नों की गुंजाइश यहाँ से कम रहती है, इसलिए इनको ध्यान से सुनना जरूरी होता है। सारा चीजें याद नहीं की जा सकती है, ठीक है। सबसे पहले ध्यान लेखकों और ग्रंथकारों की दिन दिन बढ़ती संख्या पर जाता है। इन 20-21 वर्षों के बीच हिंदी साहित्य का मैदान काम करने वालों से पूरा पूरा भर गया है, जिससे उसके कई अंगों की बहुत सी पूर्ति हुई है, पर साथ ही बहुत सी फालतू चीजें भी इधर उधर बिखरी, जैसे भाषा का पूरा अभ्यास और उस पर अच्छा अधिकार रखने वाले प्राचीन और नवीन साहित्य के स्वरूप को ठीक ठीक परखने वाले अनेक लेखकों द्वारा हमारा साहित्य पुष्ट और प्रौढ़ हो चला। वैसे ही केवल पाश्चात्य साहित्य के किसी कोने से आंख खोलने वाले और यूरोप की हर नई पुरानी बात को आधुनिकता कहकर चिल्लाने वाले लोगों द्वारा बहुत कुछ अनधिकार चर्चा, बहुत सी अनाड़ीपन की बातें भी फैल चली, है ना। इस दूसरे ढांचे के लोग यूरोप की सामाजिक, राजनैतिक और साहित्यिक परिस्थितियों के अनुसार समय समय पर उठे हुए नाना विवादों और प्रवादों को लेकर उनकी उक्तियों के टेढ़े सीधे अनुवाद के उद्धरणी करके ही अपने को वास्तविक साहित्य निर्माताओं के से 10 हाथ आगे बता चले। वास्तविक निर्माताओं की पंक्ति में ही नहीं,
दस हाथ आगे इन्होंने अपने को बताया और समझा, जबकि की क्या विलायत की नकल की, यूरोप की पश्चिमी नकल की, इन्होंने उससे कोई चीज देखी और हर चीज को आधुनिकता के नाम पे हिंदी साहित्य में ला दिया। मतलब शुक्ल जी कह रहे हैं कि पिछले जो 20-21 वर्ष बीते हैं प्रत्युत्थान के समय की बात कह रहे हैं शुक्ल जी, तो इसमें क्या हुआ, बहुत सारे लेखक हिंदी साहित्य के रचना में कूद पड़े हैं। कुछ ने तो बहुत अच्छा काम किया, कुछ ने तो जो इसमें पूर्ति नहीं हो पा रही थी उसकी पूर्ति की, लेकिन कुछ लोगों ने क्या किया, नकल विलायती चीजों को आधुनिकता के नाम पे साहित्य में शामिल किया और अपने आप को और आगे बताया, है ना, जो वास्तविक साहित्यकार से उनसे भी आगे बताया। इनके कारण हमारा सच्चा साहित्य रुका तो नहीं, पर व्यर्थ की भीड़ भाड़ के बीच ओट में अवश्य पड़ता रहा। क्या नाटक, क्या उपन्यास, क्या निबंध, क्या समालोचना, क्या काव्य स्वरूप मीमांसा, सबके क्षेत्रों के भीतर कुछ विलायती मंत्रों का उच्चारण सुनाई पड़ता आ रहा है। इसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो अपने जन्म स्थान में अब नहीं सुनाई पड़ते, मतलब जहां इनका जन्म हुआ था, यानी कि यूरोप में पश्चिम में जहां इनका जन्म हुआ था वहां पे भी अब नहीं सुनाई देता है, लेकिन यहाँ पर उठा के हिंदी साहित्य में उसको रखा जा रहा है। हंसी तब आती है जब कुछ ऐसे व्यक्ति भी मध्य युग की प्रवृत्ति, क्लासिकल, रोमांटिक इत्यादि शब्दों से विभोचित अपनी आलोचना द्वारा नए युग की वाणी का संचार समझाने खड़े होते हैं। इन शब्दों का अर्थ जानना तो दो, अंग्रेजी भी नहीं जानते। उपन्यास के क्षेत्र में तो देखिए तो एक और प्रेमचंद जैसे प्रतिभाशाली उपन्यासकार हिंदी की कीर्ति का देश भर में प्रयास प्रसार कर रहे हैं, दूसरी ओर कोई उनकी भरपेट निंदा करके टॉल्स्टॉय का पापी के प्रति घृणा नहीं दया वाला सिद्धांत लेकर दौड़ पर। दूसरा आता है जो दया वाले सिद्धांत का विरोध कर यूरोप के साम्यवादी सिद्धांत लागड़ाता है और कहता है कि गरीबों का रक्त चूसकर उन्हें अपराधी बनाना और फिर बड़ा बनकर दया दिखाना तो उच्च वर्ग के लोगों की मनोवृत्ति है। अब आप ध्यान करिए, ये जिस समय की बात कर रहे हैं जब हम उस समय का साहित्य पढ़ते हैं तो हर तरह की प्रवृत्तियां हमको साहित्य में देखने को मिले, है ना। ध्यान से अगर हम बहुत सारी किताबों का अध्ययन करते हैं तो शुक्ल जी के ये चीजें हम लोगों को आसानी से समझ आ सकती है। ये सोचिए कि प्रेमचंद जैसे प्रतिभाशाली उपन्यासकार को भी उस समय निंदा का सामना करना पड़ा था, उनके लिए भी लोगों ने बातें कही थी, ठीक है। वह बड़े जोश के साथ सूचित करता है कि इस मनोवृत्ति का समर्थन करने वाला साहित्य हमें नहीं चाहिए, हमें तो ऐसा साहित्य चाहिए जो पद दलित अकिंचनों में रोष, विद्रोह और आत्मगौरव का संचार करे और उच्च वर्ग के लोगों में नैराश्य, लज्जा और ग्लानि, ठीक है। एक और स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी अपने नाटकों द्वारा ये साफ झलका देते हैं कि प्राचीन ऐतिहासिक वृत्ति को लेकर चलने वाले नाटकों की रचना के लिए काल विशेष के भीतर तथ्य बटोरने वाला कैसा विस्तृत अध्ययन और उन तथ्यों द्वारा अनुमानित सामाजिक स्थिति के सजीव ब्यौरे सामने खड़ा करने वाली कैसी सूक्ष्म कल्पना चाहिए। मतलब जब आपने जयशंकर प्रसाद जी के नाटक पढ़े होंगे, उन नाटकों में आपने ये देखा है कि उनको उसमें पहले बहुत अध्ययन की जरूरत होती है इस तरह के नाटकों को लिखने की, पहले हर तरह के तथ्य आपको इकट्ठा करने पड़ेंगे और उन तथ्यों के आधार पर उस काल विशेष की प्रवृत्ति समझनी पड़ेगी, प्रवृत्ति का सामाजिक प्रवृत्ति का अनुमान लगाकर ही बहुत सूक्ष्म कल्पना के द्वारा आप इस तरह के नाटकों की रचना हो सकती है। कहना आसान है ऐतिहासिक नाटक, लेकिन ऐतिहासिक नाटकों में तथ्य काफी काम रहता है, तथ्य इकट्ठा करना और उसके बाद में उस काल विशेष की परिस्थितियों को समझते हुए उस पे अपनी कल्पना का मिश्रण करके लिखना, है ना। और दूसरी ओर कुछ ऐसे नाटकों के प्रति उपेक्षा का ऐसा भाव दिखाते हुए बर्नार्ड शॉ आदि का नाम लेते हैं और कहते हैं कि आधुनिक युग समस्या नाटकों का है। आप समझ रहे हैं,
उस समय जब जयशंकर प्रसाद जी ऐतिहासिक नाटक लिख रहे थे तो उनका विरोध ये कह के भी किया गया कि ये जो वर्तमान युग है ये समस्या नाटकों का युग है। ये ठीक है कि विज्ञान की साधना द्वारा संसार के वर्तमान युग का बहुत सा रूप यूरोप का खड़ा किया हुआ है, पर क्या इसका यह मतलब है कि युग का सारा रूप विधान यूरोप ही करे और हम आराम से जीवन के सब क्षेत्रों में उसी के दिए हुए रूप को लेकर रूपवान बनते चले? काम की बात कही है, हालांकि शुक्ल जी कह गए पर लोगों ने समझा नहीं। आज भी वही चल रहा है, चाहे साहित्य के क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र। भले ही हम अपने में ज्यादा उन्नत हैं, ज्यादा विचारशील हैं, ज्यादा सक्षम, लेकिन हमने यूरोप की नकल करते करते अपनी सभी तरह की क्षमताओं को भुला दिया है, सभी तरह के रूप को गंवा दिया है। हर चीज में यूरोप की नकल करते करते हम शायद अब जो वो करते हैं वही अच्छा परिभाषा ही हमारे लिए ही बन गई है कि जो पश्चिम में किया जाता है वही अच्छा है और उसी की नकल करने वाले एडवांस या आधुनिक है। खैर, क्या अपने स्वतंत्र स्वरूप विकास की हमारी शक्ति सब दिन के लिए मारी गई है? आप, मैं कभी प्रश्न पूछती हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इस चीज के उत्तर नहीं देते हैं। थोड़ा विचारशील होना जरूरी है, कमेंट्स के द्वारा बताया करिए। मुझे लगता है बोलना बहुत जरूरी है, सिर्फ पढ़ते रहना बिल्कुल भी पूरा नहीं होता है। यदि कोई प्रश्न पूछा जा रहा है, वो प्रश्न किसी भी तरह का है, मैं तो कहती हूँ कि कभी बाहर से कभी कोई प्रश्न उठ के दूसरों के सामने भी खड़ा होता है, तो उन प्रश्नों पे भी अगर उत्तर देने का नहीं समय है तो विचार अवश्य होना चाहिए। मैं यहाँ पर आपसे ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि आप वर्तमान परिपेक्ष शुक्ल जी के इस कथन से कितना सहमत? ये एक वाक्य देखिए सूक्ति बन गया है इस समय हमारे लिए। क्या अपने स्वतंत्र रूप स्वरूप विकास की हमारी शक्ति सब दिन के लिए मारी गई है? सामाजिकता के तौर पे आप बताइए। और वैसे हर तौर पे मुझे ये लगता है कि वास्तव में हम अब कुछ अपने रूप का विकास करना ही नहीं चाहते, हम आगे भी बढ़ रहे हैं तो फॉलो करके बढ़ रहे हैं। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, मैं इंतजार करूंगी। हमारा यह तात्पर्य नहीं कि यूरोप के साहित्य क्षेत्र में उठी हुई बातों की चर्चा हमारे यहाँ ना हो, बात को पूरी तरह समझिएगा। ऐसी बात नहीं है कि जो वहां हो रहा है हम इसकी चर्चा भी यहाँ ना करें। यदि हमें वर्तमान जगत के बीच में अपना रास्ता निकालना है तो वहां के अनेक वादों और प्रबंधों तथा उन्हें उत्पन्न करने वाली परिस्थितियों का पूरा परिचय हमें होना चाहिए। उन वादों की चर्चा अच्छी तरह से, उन पर पूरा विचार हो और उनके भीतर जो थोड़ा बहुत सत्य छिपा हो उसका ध्यान अपने साहित्य के विकास में रखा जाए। फिल्टर करने वाला है ना, छान कर जो सत्य हो सिर्फ उसको हमें ग्रहण करना चाहिए, अंधानुकरण नहीं करना चाहिए। हर चीज जो वो करे वही सत्य है ये नहीं मानना चाहिए, पर उसमें किस कभी इसको कभी उसको ये कहते हुए सामने रखना कि वर्तमान विश्व साहित्य का स्वरूप यही है। इससे हिंदी साहित्य अभी बहुत दूर है, अनाड़ीपन ही नहीं जंगलीपन भी। शुक्ल जी का ऐसा विचार है। आजकल भाषा की भी बुरी दशा है, बहुत से लोग शुद्ध भाषा लिखने का अभ्यास होने से पहले ही बड़े बड़े पोथे लिखने लगते हैं, जिसमें व्याकरण की भद्दी भूले तो रहती ही है, कहीं कहीं वाक्य विन्यास तक ठीक नहीं रहता। यह बात और किसी भाषा के साहित्य में साहित्य ही देखने को मिले। व्याकरण की भूलों तक ही बात नहीं है, अपनी भाषा की प्रकृति पहचान न अपनी भाषा की प्रकृति की पहचान न रहने के कारण कुछ लोग उसका स्वरूप भी बिगाड़ चले। वे अंग्रेजी के शब्द वाक्य और मुहावरों को तब को ज्यों का त्यों उठा के रख देते हैं, यह नहीं देखने जाते कि हिंदी हुई या कुछ और। नीचे दिए हुए उदाहरणों उपकरणों से ये बात स्पष्ट होती हो जाएगी। चलिए देखते हैं। उनके हृदय में अवश्य ही एक ललित कोना होगा जहां रतन ने स्थान पा लिया होगा। ये जो वाक्य है ये कुंडली चक्र उपन्यास से लिया गया है।
वह उन लोगों में से ना था जो घास को थोड़ी देर में अपने पैरों के तले उगने देते हैं। ये भी कुंडली चक्र उपन्यास है। क्या संभव नहीं कि भारत के बड़े बड़े स्वातंत्र दिनों की नामावली उस कुछ दिनों की नामावली उपस्थित करें? आज 28 अक्टूबर 1947 का उपन, ठीक है। इसमें ये आप देखिएगा, देखिए अब हम लोग उस समय से काफी आगे आ गए हैं, तो कुछ हम लोगों को इन वाक्यों का कुछ अर्थ ग्रहण हो रहा होगा, लेकिन वास्तविकता में इसने हिंदी के स्वरूप को कहीं ना कहीं आघात पहुंचाया, ऐसा शुक्ल जी मानते हैं। चलिए उपन्यास कहानी को देखते हैं। एक सेकंड। इस तृतीय उत्थान में हमारा उपन्यास कहानी साहित्य ही सबसे अधिक समृद्ध हुआ। नूतन विकास लेकर आने वाले प्रेमचंद जी जो कर गए, वह तो हमारे साहित्य की एक निधि ही, ये तो आप सभी लोग मानते हैं, सब लोग जानते हैं। इसके उनके अतिरिक्त पंडित विश्वंभर नाथ कौशिक, बापू प्रताप नारायण श्रीवास्तव, श्री चैनेन्द्र कुमार ऐसे सामाजिक उपन्यासकार तथा बापू वृंदावन लाल वर्मा ऐसे ऐतिहासिक उपन्यासकार उपन्यास भंडार की बहुत सुंदर पूर्ति करते जा रहे हैं। सामाजिक उपन्यासों में देश में चलने वाले राष्ट्रीय तथा आर्थिक आंदोलन का भी आभास बहुत कुछ रहता है। ताल्लुकदारों के अत्याचार, उनके किसानों की दारोदशा के बड़े चटकीले चित्र में पाए जाते हैं। इस संबंध में हमारा केवल यही कहना है कि हमारे निपुण उपन्यासकारों को केवल राजनीतिक दलों द्वारा प्रचलित बातें लेकर नहीं चलना चाहिए, वस्तुस्थिति पर अपनी व्यापक दृष्टि भी डालनी चाहिए। मतलब एक तरफा नहीं चलना चाहिए कि एक तरफ सामाजिक राजनीतिक ज्ञान को ही आगे बढ़ाया जाए, पूरी तरह उसको चीजों को समझना चाहिए। उन्हें यह भी देखना चाहिए कि अंग्रेजी राज्य जमने पर भूमि की उपज आमदनी पर जीवन निर्वाह करने वाले, भूमि की उपज आमदनी पर जीवन निर्वाह करने वाले यानी किसान जमींदार दोनों ही की, और नगर में रोजगारों या महान जनों की परंपरा परस्पर क्या स्थिति। शुक्ल जी इस ओर भी कह रहे हैं कि जब से ये अंग्रेज आए, अंग्रेजी राज्य आया, तो जिन लोगों का निर्वहन जमीन के द्वारा हो रहा था, भूमि के द्वारा हो रहा था, जैसे किसान और जमींदार, और जो शहर के नगर के थे रोजगारी महाजन, उनकी परस्पर आपस में उनका क्या स्थिति हो गई। यहाँ कहीं ना कहीं ये मिलता है कि अंग्रेजी राज्य आने पर ही इनकी स्थितियां बहुत खराब होती चली गई होगी। उन्हें ये भी देखना चाहिए कि राज कर्मचारियों का इतना बड़ा चक्र ग्राम वासियों के सिर पर ही चला करता है, व्यापारियों का वर्ग उससे प्रायः बचा रहता है, भूमि ही यहाँ सरकारी आय का प्रधान उद्गम बना दी गई है। सरकार को जो भी आय होती है भूमि कर से ही होती है, उसी को सरकारी आय का मेन सोर्स यानी प्रधान उद्गम बना दिया गया है। व्यापारिक श्रेणियों को यह सुविधा विदेशी व्यापार को फलता फूलता रखने के लिए दिया गया, जिससे उनकी दशा उन्नत होती गई और भूमि से संबंध रखने वाले सब वर्गों, क्या जमींदार, क्या किसान, क्या मजदूर, दशा उनकी गिरती गई। जमींदारों के अंतर्गत हम 98% साधारण जमींदारों को लेना चाहिए, 2% बड़े बड़े ताल्लुकेदारों को नहीं। शुक्ल जी का कहना है कि अंग्रेजी राज्य में सभी की हालत गिरी थी। आज भी जो जमींदार हम लोग देखते हैं, जिनको बहुत ज्यादा ये कहा जाता है जो शोषक वर्ग, जिसको हम लोग इस शब्द से वो करते हैं, लेकिन शुक्ल जी कह रहे हैं कि 98% जमींदारों पर भी इसका बुरा ही असर पड़ा था। वो कह रहे हैं कि मैं उन 2% बड़े बड़े तालिकेदार जमींदारों की बात नहीं करता। किसान और जमींदार एक ओर तो सरकार की भूमि कर संबंधी नीति से पिसते आ रहे थे, दूसरी ओर उन्हें भूखे मारने वाले नगरों के व्यापारी जो इतने घोर श्रम से पैदा की हुई भूमि की उपज का भाव अपने लाभ की दृष्टि से घटाते बढ़ाते रहे। भाव किसानों जमींदारों के हाथ में नहीं, किसानों की 20 शेर के भाव से अन्न लेकर व्यापारी 7-8 शेर के भाव में बेचा करते हैं। नगरों के मजदूर तक पान पीढ़ी के साथ सिनेमा देखते हैं, गांव के जमींदार और किसान कष्ट से किसी प्रकार दिन काटते। कहने का तात्पर्य यह है
कि हमारे उपन्यासकारों ने देश की वर्तमान जीवन के तरफ दृष्टि गड़ाकर देखना चाहिए, केवल राजनीतिक दलों की बातें लेकर नहीं चलना चाहिए। साहित्य को राजनीति से ऊपर रहना चाहिए, सदा उसके सारों पर नहीं नाचना चाहिए। बहुत बड़ी बात है, लेकिन धीरे धीरे मुझे लगता है कि इस चीज ये प्राय चीजें खत्म हो गई। राजनीति हर जगह हावी है। वर्तमान जगत में उपन्यासों की बड़ी शक्ति है। समाज का जो रूप पकड़ रहा है, उसके भिन्न भिन्न वर्गों में जो प्रवृत्तियां उत्पन्न हो रही हैं, उपन्यास उनका विस्तृत प्रत्यक्षीकरण ही नहीं करते, आवश्यकता अनुसार उनका ठीक विन्यास, सुधार अथवा निराकरण की प्रवृत्ति भी उत्पन्न कर सकते हैं। समाज के बीच खान पान व्यवहार तक में जो भद्दी नकल होने लगी है, गर्मी के दिनों में भी सूट बूट कसकर टेबलों पर जो प्रीति बोध होने लगा है, उसको हंसकर उड़ाने का सामर्थ्य उपन्यासों में ही है। बहुत बारीकी से समझिएगा ये चीज। लोग या किसी जनमानस के बीच काल की गति के अनुसार जो गूढ़ और चिंत परिस्थितियां खड़ी होती रही हैं, उनको गोचर रूप में सामने लाना, कभी कभी निस्तार का मार्ग प्रत्यक्ष करना उपन्यासों का ही काम है। शुक्ल जी का भी ये मानना है कि सिर्फ यथार्थ दिखाना ही उपन्यास का काम नहीं, हम जो भी साहित्यकार है उसका मात्र दायित्व यथार्थ दिखाना नहीं, कहीं ना कहीं उसका एक समाधान सोचना या समाधान सुझाना भी उपन्यासकार को ऐसा भी करना चाहिए। शुक्ल जी कह रहे हैं कि अंधी नकल नहीं करनी चाहिए, जो यूरोपीय या पश्चिमीकरण की अंधी नकल करके गर्मियों में भी फुल सूट बूट के साथ में प्रीति भोज में जाते हैं, वो नहीं समझते कि जहाँ पश्चिम में किस तरह का वातावरण, किस तरह के मतलब वातावरण, किस तरह के वस्त्र वहां पर पहने जाते हैं। वो अपने वातावरण, देश काल, परिस्थिति के अनुसार चीजों को उपयोग करते हैं, और हम पूर्व में रहकर उनकी नकल करके वास्तविकता में एकदम क्या कहा जाए, और आज भी वही चल रहा है ना। कभी बहुत ज्यादा कर लेते हैं और कभी हम उनको देखकर एकदम कम करते जा रहे हैं। हमें ये नहीं पता है कि हमें स्वयं हमारे देश काल परिस्थिति के अनुसार हमें क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, कैसे जो हमारे पूर्वजों की परंपराएं उनको उनसे अच्छी चीजें लेके उनको आगे बढ़ाना है। वही चीजें अगर हमें विदेशों से नए रूप में मिल जाएंगी तो हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन अपने देश की बगताई हुई रास्ते पर नहीं चलेंगे, ऐसी तो जैसे लगता है देशवासियों ने कसम खाई। जब गोबर पैक होके अमेरिका में और यूरोपियन कंट्रीज में, पश्चिम में उसकी अच्छी अच्छी बातें बताई जाएंगी ना, वो बहुत महंगा महंगा हम लोग ले लेंगे, तब हमें उसके गुण समझ आ जाएंगे। या ये मैं एक उदाहरण दे रही, लेकिन जब तक कोई चीज हमें आसानी से अवेलेबल है ना, हमें उसके गुण समझ ही नहीं, आदत है। एकदम स्टेप बाय स्टेप, एकदम उस ये कहिए कि एक एक कदम के साथ में हम अपने आप को खो रहे हैं। लोक की सामयिक परिस्थितियों तक ही ना रहकर जीवन के सत्य स्वरूप की विषमताओं और उलझाने का विषमताएं और उलझने सामने रखने वाले उपन्यास भी रूप में लिखे गए हैं और लिखे जा रहे हैं। जीवन में कुछ बातों का मूल्य जो चिरकाल से निर्धारित चला आ रहा है, जैसे पाप और पुण्य का, उसकी मीमांसा भी उपन्यास प्रवृत्त हुए। इस प्रकार के उपन्यासों का लक्ष्य वह क्रमशः ऊंचा होता गया जिसमें जीवन के नित्य स्वरूप का चिंतन और अनुभव करने वाले बड़े बड़े कवि इधर उपन्यास के क्षेत्र में भी काम करते दिखाई देते। बड़े हर्ष की बात यह है कि हमारे हिंदी साहित्य में बाबू भगवती चरण शर्मा ने चित्रलेखा नाम का एक इसी ढंग का सुंदर उपन्यास प्रस्तुत किया। चित्रलेखा आप सबने पता पढ़ाई होगा, इसमें पाप पुण्य का पूरा लेखा जोखा किया गया है। पाप क्या है, पुण्य क्या है, नहीं पढ़ा है तो कोशिश कीजिएगा, पढ़िएगा।
द्वितीय उत्तान काल के भीतर बंगला से अनुदित अथवा अनेक आदर्श पर लिखे गए उपन्यासों में देश की सामान्य जनता की गृहस्थ और पारिवारिक जीवन के बड़े मार्मिक और सच्चे चित्र रहा करते। प्रेमचंद के उपन्यासों में भी निम्न और मध्यम श्रेणी के गृहस्थों के जीवन का बहुत सच्चा स्वरूप मिलता है, पर इधर बहुत से ऐसे उपन्यास सामने आ रहे हैं जो देश की सामान्य भारतीय जीवन से हटकर बिल्कुल यूरोपीय रहन सहन के सांचे में ढले हुए बहुत छोटे से वर्ग का जीवन चरित्र ही है, जीवन चरित्र ही यहाँ से वहां तक अंकित करते हैं। उसमें मिस्टर मिसेस मिस प्रोफेसर हॉस्टल क्लब ड्राइंग रूम टेनिस मैच सिनेमा मोटर पर हवाखोरी कॉलेज की छात्रावस्था के बीच प्रणय व्यवहार इत्यादि की सामने आ रहे हैं। यह ठीक है कि अंग्रेजी शिक्षा के दिन दिन बढ़ते हुए प्रचार से देश आधुनिक जीवन का ये एक पक्ष हो गया है, पर सामान्य पक्ष नहीं है। भारतीय रहन सहन खान पान रीति व्यवहार प्राय सारी जनता के बीच बने हुए हैं। देश की असली सामाजिक और घरेलू जीवन को दृष्टि से ओझल करना हम अच्छा नहीं समझते, पर अब तो हम पूरी तरह ओझल कर चुके हैं। शुक्ल जी अभी होते तो जाने क्या बोलते, अब तो सब तरफ वही है, फैशन है आजकल, इसी को आधुनिकता कहते हैं। यहाँ तक तो सामाजिक उपन्यासों की बात हुई, ऐतिहासिक उपन्यास बहुत कम देखने में आ रहे हैं। एक प्रकार से तो यह अच्छा है, जब तक भारतीय इतिहास के भिन्न भिन्न कालों में सामाजिक स्थिति और संस्कृति का अलग अलग विशेष रूप से अध्ययन करने आगे और उस सामाजिक स्थिति के सूक्ष्म ब्यौरों को अपने ऐतिहासिक कल्पना द्वारा उद्भावना करने वाले लेखक तैयार ना, तब तक ऐतिहासिक उपन्यासों में हाथ लगाना ठीक नहीं है, है ना। द्वितीय उत्थान काल के भीतर जो कई ऐतिहासिक उपन्यास लिखे गए या बंग भाषा से अनुवाद करके लाए गए, उसमें देश काल की परिस्थिति का अध्ययन नहीं पाया जाता है। अब किसी ऐतिहासिक नाटक में यदि बाबर के सामने हुक्का रखा जाएगा, गुप्त काल में गुलाबी और फिरोजी रंग की साड़ियां, इत्र मेज पर सजे गुलदस्ते, झाड़ फनूस लगाए जाएंगे, सभा के बीच खड़े होकर आख्यान दिए जाएंगे, उन पर करतल ध्वनि हो और बाद में धन्यवाद सहानुभूति ऐसे शब्दों तथा सार्वजनिक कार्यों में भाग लेना ऐसे विग्रह पाए जाएंगे तो काफी हंसी वाले और नौ और नाखूनों से गोने वाले मिले। इससे इस जमीन पर बहुत समझ बूझ कर पैर रखना होगा। बहुत कठिन है ऐतिहासिक नाटकों को लिखना, क्योंकि उस समय की सामाजिक स्थिति को बहुत बारीकी से देखना जानना होगा। ऐतिहासिक उपन्यास किस ढंग से लिखा जाना चाहिए, ये प्रसिद्ध पुरातत्वविद रखाल दास बंदोपाध्याय रखाल दास बनर्जी ने अपने करुणा शशांक और धर्मपाल नामक उपन्यासों द्वारा अच्छी तरह से दिखा दिया। अगर किसी को पता हो तो बताइएगा, क्या ये रखाल दास बनर्जी वही है जिनका हम हिस्ट्री में नाम पढ़ते हैं? किसी को पता होगा तो बताइएगा। प्रथम दो के अनुवाद हिंदी में हो गए, ठीक है, संभवतः मुझे लग रहा है कि पढ़ लें। खेद है कि समीचीन पद्धति पर प्राचीन हिंदू साम्राज्य के भीतर की कथा वस्तु लेकर मौलिक उपन्यास ना लिखे गए। नाटक के क्षेत्र के में अलबत्ता स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद जी ने इस पद्धति पर कई सुंदर ऐतिहासिक नाटक लिखे, पर उपन्यास नहीं लिखे जा सके। इसी पद्धति पर उपन्यास लिखने का अनुरोध हमने उनसे कई बार किया था, जिसके अनुसार शुंभकाल यानी पुष्यपुत्र और अग्निमित्र का समय अच्छित उपस्थित करने वाला एक बड़ा मनोहर उपन्यास लिखने में उन्होंने हाथ भी लगाया था, पर साहित्य के दुर्भाग्य से वो अधूरा छोड़कर भी चल बस। शुंभकाल के ऊपर प्रसाद जी नाटक उपन्यास लिख रहे थे, लेकिन उससे पहले उनकी मृत्यु हो गई। वर्तमान काल में ऐतिहासिक उपन्यास के क्षेत्र में केवल बाबू वृंदावन लाल वर्मा ही दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने भारतीय इतिहास के मध्य युग के प्रारंभ में बुंदेलखंड की स्थिति को लेकर गढ़कुमार और विराटा की पद्मिनी नामक दो सुंदर उपन्यास लिखे। विराटा की पद्मिनी की कल्पना तो अत्यंत रमणीय है। अब शुक्ल जी बोल रहे हैं तो मेरा पढ़ने की इच्छा हो रही है, मैंने पढ़ी नहीं है ये उपन्यास। उपन्यासों के भीतर लंबे लंबे दृश्य वाले तथा धारा प्रवाह हाँ व्यंजनापूर्ण भाषा की जो प्रथा पहले थी वह यूरोप में बहुत कुछ छाट दी गई है, अर्थात वहां उपन्यासों के काव्य का रंग बहुत कुछ हटा दिया गया है। काव्य का रंग मतलब काव्यात्मक भाषा का प्रयोग कम कर दिया गया है।
ये बात तो यहाँ नाटक और उपन्यास के क्षेत्र में यथार्थ तथ्यवाद की प्रवृत्ति के साथ साथ इसमें उपन्यास कला की अपनी निज की श्रेष्ठता निखर कर चलती, इसमें कोई संदेह नहीं। वह विशिष्टता यह है कि घटनाओं और पात्रों की क्रियाकलापों के भावों को बहुत कुछ व्यक्त करती। पात्रों के प्रागल्भ भाषण की उतनी अपेक्षा नहीं है ना। घटनाएं और पात्रों के क्रियाकलाप हाव भाव जिसको हम कहते हैं बॉडी लैंग्वेज से ही बहुत कुछ पता चलता है। पात्रों के थोड़े से मार्मिक शब्दों से हृदय पर पड़ने वाले प्रभाव को पूर्ण कर, सब बाकी बहुत लंबे लंबे ना हो, बोला थोड़ा ही जाए लेकिन प्रभाव ज्यादा हो। इस तृतीय उत्थान के आरंभ होते होते हमारे हिंदी साहित्य में उपन्यास का ये पूर्ण विकसित और परिष्कृत स्वरूप लेकर स्वर्गीय प्रेमचंद जी आए। तृतीय उत्थान के मौलिक उपन्यासकारों में सील वैचित्र की उपभावना नहीं के बराबर। प्रेमचंद्र के ही कुछ पात्रों में ऐसी स्वाभाविक ढांचे व्यक्तिगत विशेषताएं मिलने लगी जिन्हें सामने पाकर अधिकांश लोगों को यह भाषित हो कि कुछ किसी ढंग की विशेषता वाले व्यक्ति हमने कहीं न कहीं देखे हैं। जब प्रेमचंद के पात्रों से जब भी हम पढ़ते हैं उनको तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हाँ इस तरह की विचित्रता के जो पात्र हैं, इस तरह की जो व्यक्तित्व के व्यक्तित्व है ये हमने कहीं ना कहीं अपने आसपास देखा है। ऐसी व्यक्तिगत विशेषता ही सच्ची है जिसे झूठी विशेषता वर्तमान विशेषता दोनों से अलग समझना चाहिए। मनुष्य प्रकृति की व्यक्तिगत विशेषताओं का संगठन भी प्रकृति और विधानों के समान कुछ धर्मों पर होता है, अतः ये विशेषताएं बहुतों को दिखाई पड़ती रहती चाहे वे उन्हें शब्दों में व्यक्त करना कर सके। विशेषताएं बहुत लोगों को दिखती है लेकिन शब्दों में व्यक्त करने की सामर्थ्य सबमें नहीं होती है। प्रेमचंद जी की सी चलती और पात्रों के अनुरूप रंग बदलने वाली भाषा भी पहले कहीं नहीं देखी गई थी। ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, पूछी जा सकती है कि किसने गई है, तो याद रखिएगा ये शुक्ल जी ने गई है। इस प्रेमचंद जी की सी चलती और पात्रों के अनुरूप रंग बदलने वाली भाषा भी हम लोग पहले नहीं देखी। अंतः प्रकृति या सील के उत्तरोत्तर उद्घाटन का कौशल भी प्रेमचंद के एक दो उपन्यासों में विशेषता गबन में देखने में आया। सत और असत, भला और बुरा, दो सभ्यता भिन्न वर्ग के पात्र निर्माण करने की अस्वाभाविक प्रथा भी इस तरह के उत्थान काल में बहुत कम हुई है और मनोवृत्ति की अस्थिरता का वैचित्र अभी बहुत कम दिखाई पड़ता है जिसके अनुसार परिस्थितियों में मनुष्य अपने सील स्वभाव की सर्वता विरुद्ध आचरण। उपन्यासों से भी प्रचुर विकास हिंदी में छोटी कहानियों का हुआ। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, कहानियों की बातें हम अपने अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। बीच बीच में मैं कुछ अगर वैसा बोल गई हूँ तो ऐसा की तरह उसको ध्यान रख दीजिएगा, बुक को पढ़िएगा, इसको ध्यान से दो चार बार सामान्य देखिए, मैंने बताया ना सामान्य परिचय आपको एक दो बार ध्यान से पढ़ लेना, इसमें बहुत कुछ याद रखने लायक तथ्य नहीं मिलेंगे आपको लेकिन सुनने जरूरी है क्योंकि प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। तो चलिए आपके साथ बने रहने के लिए, आपका प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस किताब पुस्तक के पूरे होने के बाद किस तरह के आपको टॉपिक्स पे वीडियो पाने की वो है तो बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँ, ठीक है। चलिए वीडियो यही पे खत्म करते हैं आज को, साथ बने रहने बहुत बहुत धन्यवाद।